अगर आप एक नया फर्स्ट पर्सन शूटर गेम खेलना चाहते हैं तो मैं बता दूं ईए डिस्क कंपनी ने अपना नया गेम बैटलफील्ड 5 की ये अनाउंसमेंट कर दी है। ये गेम आपको जल्दी मार्केट में मिलने वाला है। अगर आप इस गेम के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। अगर हम बैटलफील्ड 5 गेम के बारे में बात करें तो ये गेम आपको इसी साल 20 नवंबर 2018 को मार्केट में मिल जाएगा और ये गेम आपको तीनों ही प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल हो जाएगा, चाहे विंडोज हो, एक्सबॉक्स हो या फिर PS4 के लिए। आपको ये तीनों ही प्लेटफॉर्म के लिए गेम अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम बात करें इस गेम की डेवलप की तो इस गेम को डेवलप किया है EA ने, इसे पब्लिश किया है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने। और अब हम बात करते हैं इस गेम के स्पेसिफिकेशंस की, यानी कि आपको ये गेम अपने PC में चलाने के लिए आपके PC में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। अगर आप इस गेम को 720p में खेलना चाहते हैं तो वो भी 30 FPS के साथ हो तो इसके लिए आपको चाहिए होगा इंटेल कोर i5 जो कम से कम 6th जनरेशन हो, और आपको 8GB की रैम चाहिए होगी, और आपको ग्राफिक चाहिए होगा GTX 660। अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो ये कि आप गेम आपको खेलने के लिए आपके PC में अवेलेबल हार्ड ड्राइव 50GB होनी चाहिए। और अगर आप इस गेम को 60 FPS 1080 ग्राफिक्स के साथ खेलना चाहते हैं तो आपको इस गेम को चलाने के लिए आपके PC में कम से कम इंटेल कोर i7 का 4th जनरेशन CPU होना चाहिए, 12GB रैम और GTX 1060 ग्राफिक होना चाहिए। इस गेम को चलाने के लिए आपके PC में इसमें भी वही 50GB हार्ड डिस्क की जरूरत होगी। अगर आप इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो आपको इसमें सिर्फ प्रोसेसर का, रैम का और ग्राफिक का अंतर मिलता है। अगर आप i5 में इसे चाहते हैं तो आपको इसमें मिलेंगे 30 FPS 720p पिक्सल में, और आप 1080 पिक्सल में चलाना चाहते हैं तो इसलिए आपको i7 प्रोसेसर चाहिए होगा, 12GB रैम और 1060 ग्राफिक कार्ड। अगर आप इसे i5 के साथ चलाते हैं तो इसमें आपको 660 ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा, उसमें आपको मिलेगा 30 FPS। अगर आप बात करते हैं दूसरी जो मैक्सिमम है उसमें आपको FPS मिलेंगे 60 FPS। और ये एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि बैटलफील्ड 5 गेम को खेलने के लिए आपके PC में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये गेम मार्केट में कब आएगा, इसे किसने बनाया था और इसका डेवलपर कौन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसने सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।